दोस्तों नमस्कार आज जो बात मैं आपसे करने आया हूँ ना वो बात शायद आपको सोचने पर मजबूर कर देगी यार बात तो बिल्कुल ठीक है भारत जैसे देश में एक दुर्भाग्यवश बात पता है क्या है यहाँ पर 98 परसेंट बिजनेस कोचेज वो हैं जिन्होंने या तो रियल लाइफ में बिजनेस नहीं किया या बिजनेस में फेल हो गए और लगा कि बिज़नेस का ज्ञान बांट के पैसा कमाया जा सकता है या उन्होंने कोई अकेडेमिक क्वालिफिकेशन हासिल ही नहीं की और बिजनेस कोच के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक बताए गलती आप लोगों की भी है आपको मज़ा आता है क्यों कोई उछल उछल के चिल्ला चिल्ला के तेज तेज बोल के आपको इन्फ्लुएंस कर दे आध्यात्म के नाम पर भगवत गीता के नाम पर भगवान के नाम पर और आप पागल भी हो जाते हैं रियल बिज़नेस स्ट्रेटेजी जो है ना वो रियल बिज़नेस ओनर से सीखने पर ही आती है अब इसके तरीके भी दो हैं कि आप बिज़नेस कम्युनिटी में उठना बैठना शुरू करें वो क्या काम करते हैं कैसे काम करते हैं उनका दिनचर्या कैसा होता है और कैसे वो अपने पूरे दिन की प्लानिंग करते हैं क्योंकि स्मॉल स्केल पर एक बिज़नेस ओनर एक ही ओनर होता रहता है यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है मेरे को लंच का टाइम नहीं मिला मैंने टाइम से ऑफिस नहीं पहुंच पाया ऑफिस पहुंचा तो फिर काम इतना था कि लेट बहुत ज्यादा हो गया टाइम पर मैं चाय नहीं पी पाया ये रोना हमेशा रोते रहते तो आज जो सीक्रेट मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैं अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूँ और वो नौ रत्न मैंने भारत के टॉप मोस्ट बिजनेस ओनर से सीखे हैं वो क्या है वो है ये डायरी आपको लगेगा तो आम डायरी है या आम डायरी नहीं है दोस्तों इसको बोलते हैं शेड्यूलर आपको बिजनेस में किस तरह से पूरे बिजनेस की प्लानिंग करनी है और शेड्यूल करना है आज ये नौ रत्न में आपको देने वाला हूं विश्वास मानिए जो व्यक्ति नौ रत्नों को अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर लेगा ना सफलता उसके कदम जरूर चूमेगी और नया साल वैसे भी आने वाला है तो नए साल में नए तरीके से नए काम को करेंगे तो काम करने का नजरिया और तरीका बदल जाएगा और तरीका बदलते ही सफलता आपके कदम चूमेगी तो मैं आपको बताता हूं वो कौन से ऐसे नौ रत्न हैं जिनको मैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूं और ये नौ के नौ रत्न मैंने सीखे हैं दुनिया के सफल बिजनेस ओनर से पहली चीज कैलकुलेट योर प्रोडक्टिव टाइम एक बिजनेस ओनर ना बिजनेस वर्किंग आवर्स के टाइम कैसे कैलकुलेट करता है कि भाई मैं घर से निकला नौ बजे और रात को आठ बजे घर आया तो लगभग दस ग्यारह घंटे मैंने काम किया या मेरा टाइम है छः बजे से लेकर पांच बजे तक या मेरा टाइम है सुबह दस बजे से शाम को सात बजे तक ये कोई बिजनेस का प्रोडक्टिव टाइम नहीं होता प्रोडक्टिव टाइम को कैलकुलेट किया जाता और कैलकुलेट कैसे करना है आप अपने साथ ना एक स्टॉप वॉच रखिए आप ये देखिए कि वर्किंग आवर्स से नहीं आप ये कैलकुलेट कीजिए कि मैंने कितने समय पर कौन सा काम किया जैसे आप ऑफिस आराम से पहुंचे आपने पूजा वगैरह की ईश्वर की आराधना की उसके बाद बैठे थोड़ा व्हाट्सएप खोला थोड़ा फ़ेसबुक खोला थोड़ा इधर उधर के मेल उठा के देखे इतने में फेसबुक का पॉपअप आ गया उसको देखा ये नहीं प्रोडक्टिव टाइम आपने कब किया कितने बजे पर आपने अपने क्लाइंट से बात की और कितनी देर में आपके क्लाइंट की बात कंप्लीट हो गई टीम को सारा काम अपडेट किया तो यहां पर आपको क्या रखना है एक स्टॉप वॉच रखना है कि अगर आप ध्यान से स्टॉप वॉच पर कैलकुलेट करेंगे ना तो आप पाएंगे कि एक दिन में ढाई से तीन घंटा आपका प्रोडक्टिव टाइम होता है तो करना क्या है जब आपके पास स्टॉप वॉच होगी और आप कैलकुलेट कर पाएंगे तो आपको नियम बनाना है कि मुझे कम से कम छह से सात घंटे प्रोडक्टिव टाइम के निकालने ही निकालने हैं कोई फर्क नहीं पड़ता आप ऑफिस कितने बजे जाते हैं और कितने बजे घर वापस आते हैं आपको छः से सात घंटे प्रोडक्टिव टाइम मतलब जिसमें आपने काम किया है जिसमें वो समय काउंट नहीं होता जिसमें आपने कोई काम नहीं किया तो पहला ये एक नवरत्न का सबसे पहला रत्न है दूसरा रत्न फिक्स अप राइट टाइम फॉर लंच और टी ब्रेक एक बिजनेस ओनर का पता है क्या रोना रहता है यार क्लाइंट के साथ मीटिंग थी टाइम ही नहीं मिल पाया यार काम इतना ज्यादा था टाइम ही नहीं मिल पाया आज तो चार बजे लंच किया आज पांच बजे लंच किया आज तो लंच करना ही भूल गए क्यों क्योंकि आप अपने टाइम को शेड्यूल नहीं कर पा रहे हैं हमेशा अपना लंच और टी ब्रेक राइट टाइम पर करें क्योंकि बॉडी की ना एक क्लॉक होती है बॉडी को पता है कि कब किस चीज़ की ज़रूरत है अगर उसका टाइम फिक्स होगा तो आपकी लाइफ बहुत, बहुत बेहतर होगी और टाइम फिक्स होने से आपका प्रोडक्टिव टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाता है जैसे आप पाँच बजे लंच कर रहे हैं तो लंच करते करते साढ़े पाँच पौने छः हो गए तो आपको करना क्या है अगर एक बजे का लंच है डेढ़ बजे का लंच है दो बजे का लंच है तो उतना ही समय निकालना है जितने समय में आप लंच ठीक तरीके से कर लें और पीसफुली आप लंच कर पाएँ और फिक्स टाइम पर कर पाएँ तो बॉडी भी उसको अडेप्ट कर लेगी कि भाई इतने बजे तो मुझे भूख लग जाती है मेरा तो बिल्कुल फिक्स टाइम है चाहे ज़मीन आसमान खिसक जाए लेकिन मेरा जो प्री लंच डाइट और लंच राइट का टाइम है वो बिल्कुल फ़िक्स है उसके बाद मेक अ टास्क ऑफ डे शेड्यूल जिसको बहुत सारे लोग टू डू लिस्ट भी बोलते हैं कि जैसे आप सुबह ऑफिस पहुँचे अपने शॉप पहुँचे शोरूम पहुँचें एक लिस्ट बना लें कि कौन कौन से टास्क मुझे करने हैं कि भाई एक काम है क्लाइंट को मेल भेजनी है नए क्लाइंट से बात करनी है इन पुराने क्लाइंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या री ऑर्डर करना है माल परचेज करना है माल सेल करना है तो सब कुछ आप पूरा प्लान कर लें टू डू लिस्ट बना लें और जब आप लिस्ट बनाते हैं ना आइटमाइज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टाइन ये दस टास्क मुझे करने हैं तो विश्वास माने जैसे ही पहला टास्क कंप्लीट होता है आप टिक करते हैं ना तो आपको हैबिट पड़ जाती है यार नेक्स्ट टास्क क्या है लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं पूरे दिन में जो रूटीन वर्क है वही करते हैं उनसे पूछो डे शेड्यूल बताओ कि सुबह जाते हैं शाम को आते हैं पूरा दिन काम करते हैं पूरा दिन काम नहीं करना आपको डू लिस्ट टू डू लिस्ट के हिसाब से काम करना है तो मेक अ टास्क लिस्ट ऑफ एवरी डे है मीटिंग विद बाउंडेड टाइम ये तीसरा नवरत्न का तीसरा रत्न है क्या हम लोग क्या करते हैं कि कोई आया दोस्त आ गया ऑफिस में कोई जानकार आ गया कोई मिलने वाला आ गया पड़ोसी दुकानदार आ गया पड़ोसी शोरूम वाला आ गया फैक्ट्री वाला आ गया बैठे हैं हम मजे से गप्पे मार रहे हैं हमारा ना टाइम बाउंडेड मीटिंग नहीं होती टाइम बाउंडेड मीटिंग का मतलब है अगर किसी ने कहा यार मैं आपसे मिलने आ रहा हूं उसको बताएं कि दो बजे मिलने आना दो से ढाई बजे का टाइम मेरे पास है पंद्रह मिनट बीस मिनट तीस मिनट पैंतालीस मिनट आपको टाइम बाउंड तो करो तो दुनिया के सफल लोग अगर किसी को अपॉइंटमेंट टाइम बाउंडेड अपॉइंटमेंट देते हैं कि मैं इतना समय ही आपके साथ व्यतीत करूंगा टाइम बाउंडेड देंगे तो सारी बातें भी उसी टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हो जाएगी मूवी देखते हैं ना तो मूवी में किसी बच्चे के जन्म से लेकर और पूरी की पूरी लाइफ साइकिल स्टोरी तक तीन घंटे में बता देते हैं और अगर किसी का सिर्फ लव अफेयर है तो सिर्फ कॉलेज का कॉलेज टाइम से लेकर और कॉलेज कंप्लीशन का भी तीन घंटे में बता देते हैं तो कहने का मतलब टाइम बाउंडेड में ही वो स्टोरी कितनी ले जाएंगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है ऐसे ही दुनिया के सफल लोग टाइम बाउंडेड मीटिंग करते हैं तो ये आपको काम करना है ब्रीफ योर टीम इन शॉर्ट टाइम डे शेड्यूल टास्क लिस्ट और वट टू डू एंड हाउ टू डू हम लोग क्या करते हैं अपने एक एक एम्प्लॉय को ना बांधे रखते हैं कि जैसी ये काम हो जाए मुझे तुरंत बताना जैसी दो दूसरा काम हो जाए तुरंत मुझे बताना आपको ऐसा नहीं करना उदाहरण के लिए आपने अपने पीओन को बताया कि भाई जैसी कुरियर आए मेरे ऑफिस में लेके आ जाइए जैसे कोई लेटर आए मेरे पास लेके आना जैसे कोई आ, बिल आए मेरे पास लेके आना नहीं उनसे बोलो सुबह से लेके पाँच बजे तक जितने भी बिल आएंगे शाम को साढ़े पाँच बजे मेरे टेबल पर होने चाहिए इससे आपका एक एक मिनट करके समय नहीं इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन भी बचता है आप एक काम में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं एक बंदा आके आपको डिस्टर्ब करता है फिर दोबारा से कॉन्सेंट्रेट करने में समय लग जाता है तो अपनी टीम को टाइम बाउंडेड डेफिनेशन सिखा दें कि भाई इस काम को इतने बजे आप मुझे आकर रिपोर्टिंग करेंगे और उसके लिए क्या है कि उसके पास पूरे राइट right, पावर और ड्यूटीज की रिस्पांसिबिलिटी उसकी होनी चाहिए क्या क्या काम है कैसे करना है और उससे संबंधित क्या अधिकार खुद लेने जब आप अपने लोगों को अधिकार देना शुरू करोगे ना तो वो अधिकार के आधार पर आपको सही तरीके से काम करके देंगे हर चीज में खुद खुदमत फंसे रहो हर चीज मुझसे पूछ के होगी आपने एक ट्रैक बना दिया उसके हिसाब से होगा डोंट वेट फॉर लास्ट डेट फॉर एनी ड्यूज ये मैं आपको सीक्रेट नंबर बता रहा हूं छे रतन नंबर छे क्या कि लास्ट डेट का इंतजार मत करें आपके पास एक बिल आया ठीक है इसकी लास्ट डेट है पच्चीस जनवरी पच्चीस फरवरी पच्चीस तारीख है किसी की पंद्रह तारीख है किसी की दस तारीख है तो आप इंतजार करते हैं कि जब पच्चीस तारीख को हो तो मुझे याद दिला देना हो सकता है उस दिन आपको कोई इमरजेंसी काम हो आप बिल पेमेंट नहीं कर पाए आप ड्यूज क्लियर नहीं कर पाए और पेनल्टी लग गई तो आपको क्या करना है आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है क्योंकि जितना ज्यादा लास्ट डेट का इंतजार करते हैं उतना बर्डन ऑफ वर्क आपके ऊपर हो जाता है जैसे 25 तारीख को क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है 25 तारीख को बिजली का बिल पे करना है लास्ट डेट है बीस तारीख को इंप्लॉय की सैलरी पे करनी है लास्ट बिल्कुल टाइम है तो आप सारा शेड्यूल कर लें कौन कौन सा काम कब कब कैसे कैसे करना है और लास्ट डेट का कभी इंतजार ना करें इन वे में कई बार आपको फाइनेंशियल लॉस भी हो जाते हैं पैसे होने के बावजूद पेमेंट की 15 30 अभी कुछ लोग क्या करते हैं भाई कहते हैं ना सब दिन ना एक समान हर दिन एक जैसा नहीं होता आप रोज एनर्जेटिक रहते हैं बढ़िया से काम करते हैं कोई आपको जरूरत नहीं पड़ती आराम करने की लेकिन एक दिन आपकी जो एनर्जी थोड़ी डाउन होती है अगर एनर्जी डाउन हो तो पंद्रह मिनट का बीस मिनट का या तीस मिनट तक का एक नैप लें अपने केबिन को ऑफ करें आराम से सोएं पंद्रह से बीस मिनट अगर आप नैप लेते हैं ना तो आप फुल एनर्जेटिक दोबारा से हो जाते हैं और जब काम करते हैं तो आगे बचा हुआ जो समय है उसमें आप ज़्यादा बेहतर काम कर पाते हैं तो मुझे तो जब भी लो एनर्जी लगती है मैं तुरंत पंद्रह से बीस मिनट तीस मिनट का एक नैप लेता हूँ और उठने के बाद एनर्जेटिक तरीके से फास्ट तरीके से काम करते हैं जबकि आई जा रही है मरमर -मर के काम किए जा रहे हैं तो आपका जो मिलने वाला रिजल्ट है वो बेहतर नहीं होगा जो दो घंटे का काम है तीन चार घंटे में होगा आपको लगा कि यार नैप लूंगा तो आधा घंटा वेस्ट हो जाएगा नहीं आप जो काम दो घंटे में कर सकते थे उसके लिए तीन घंटे लगा दिए तो आधे घंटे का नैप ले लेते और आधा घंटा वैसे भी बच जाता आपका तो नैप ज़रूर ले अगर आपको कभी भी लो एनर्जी फील हो रतन नंबर आठ हैव ब्रेक ऑफ फाइव मिनट आफ्टर एवरी सक्सेसफुल टास्क एक बेहतर टास्क आपने किया आपने डेढ़ दो घंटे का समय लगाया वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया तो पांच मिनट का एक ब्रेक लें सेलिब्रेट करें उसको मन में अरे वाह यार ये काम बहुत बढ़िया तरीके से हो गया अंगड़ाई लें पूरी बॉडी को हल्का सा अप करें ज़रूरत हो तो पूरी स्ट्रेचिंग वगैरह कर लें उससे आपकी बॉडी ना री एनर्जेटिक हो जाती है और फिर जब आप काम करते हैं तो रिजल्ट बहुत बेहतर आता है आप देखो बहुत सारे जो कॉरपोरेट्स के एम्प्लॉज होते हैं वो क्या करते हैं काम करने के बाद कहते हैं सर एक एक सिगरेट में पी के भी आया तो वो एक डिफरेंट तरीके का ब्रेक लेते हैं पर इसका मतलब ही नहीं कि आप भी कहो कि मैं सिगरेट पी के आया सिगरेट नहीं पीनी है पांच मिनट एनर्जेटिक एक्टिविटी कुछ करें ताकि आप जब अगला काम करें तो पूरे एनर्जी के साथ करें यह था रतन नंबर आठ अब मैं देता हूँ रतन नंबर नौ और नवरत्न सक्सेसफुल बिजनेस ओनर का जो अगला स्टेप है ना वो ये कहता है कि मेक अ प्लान फॉर नेक्स्ट टू डेज थ्री डेज सेवन डेज एंड वन मंथ अगले एक महीने की प्लानिंग कर लें कि कौन सा काम मुझे कब करना है कहाँ पर मुझे जाना है किससे मेरी मीटिंग है क्योंकि बहुत सारी मीटिंग जो होती है ना आपकी ऑल इंडिया लेवल की होती है व्यक्ति विशेष किसी विशेष निश्चित समय पर आता है आपको किसी व्यक्ति विशेष से मिलने निश्चित समय पर जाना होता है उसकी पूरी प्लानिंग कर लें प्लानिंग करने का बेनिफिट क्या है कि आप ये भी डिसाइड कर पाएंगे कि उस ड्यूरेशन में जब मैं अपने काम पर नहीं हूँ मुझे उस प्लान को कैसे प्लान करना है उस काम को कैसे डेलीगेट करना है उस काम के लिए क्या नया तरीका अपनाना है कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो या मेरे उस समय पर जब मैं नहीं हूँ मेरी एबसेंस में भी ठीक तरीके से काम हो उसमें आपकी टीम बहुत मददगार होती है आप अपनी टीम को ब्रीफ कर देते हैं कि इस समय मैं नहीं हूँ तो जो जो काम मुझसे संबंधित है मुझसे अभी करवा लीजिए या उस समय वो काम कीजिए जिसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट ना हो तो ये रतन नंबर नौ है ये नौ रतन अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो अगले फाइनेंशियल ईयर में ही नहीं अगले न्यू ईयर में ही नहीं आज जीवन आप सफलता हासिल करते रहेंगे मैं देने वाला हूँ आपका दसवां एक और रत्न जो बोनस है मेरी तरफ से मैं इसका अपने जीवन में बहुत अनुकरण करता हूँ और वो रत्न क्या कहता है कि हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करें आपका कोई भी काम कोई भी टास्क कोई भी अचीवमेंट जैसे ही कंप्लीट हो तुरंत ईश्वर को उसका धन्यवाद करें अपने मन में कहें कि हे भगवान आपकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता और आपने मेरे इस काम को सही तरीके से पूरा होने में मेरी पूर्ण मदद की इसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ ग्रेटिट्यूड रखें ईश्वर के प्रति उन लोगों के प्रति जिनकी वजह से आप अपने काम में सफल हुए हैं यदि आप ग्रेटिट्यूड की भावना रखते हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की पावर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से सारी वेल विशेज आपके पास लेकर आती है कहते हैं कि जैसे आपके भाव होते हैं वैसा आपका प्रभाव होता है और जैसा आपका प्रभाव होता है वैसा व्यक्ति आपके साथ व्यवहार करता है तो बेहतर व्यवहार के लिए बेहतर रिजल्ट के लिए आपको भी ईश्वर के प्रति ग्रेटिट्यूड लोगों के प्रति ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना पड़ेगा ये दसवां रत्न जो मेरा बोनस रत्न है जिसको मैं अपने जीवन में इंप्लीमेंट करता हूँ ऐसे ही नहीं एक छोटी सी फर्म मेटास ओवरसीज लिमिटेड कंपनी तक पहुँची एक स्मॉल स्केल बिजनेस लार्ज स्केल नंबर ऑफ शोरूम्स पर पहुँचा और पूरे भारतवर्ष में ही नहीं हम एक्सपोर्ट करते हैं विदेशों में भी जिसकी वजह से हमारा बिजनेस एक इंटरनेशनल बिजनेस बना मेरा नाम डॉक्टर अमित माहेश्वरी CEO and founder director metas overseas limited we are manufacturer of stainless steel modular kitchen bathroom vanity wardrobes and steel interior we make your lifestyle beyond imagination jai hind jai bharat